ये मेरा कुत्ता देख रहे हो, ठीक है। अब ये है, नहाती है ना, तो ये हो जाती है सफेद, ठीक है। थोड़ी ही देर में इधर वाला जो कलर आता है ना इसका, थोड़ा क्रीम वो चाहिए, ये नीचे आके पीला हो गया। तो तीन शेड मिले हुए हैं आपको, इसी कुत्ते में शेड ढूंढना है। Hi guys, welcome back to our channel। और ये घर की सफाइयाँ होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। बहुत सारा सामान अंदर से बाहर आ चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ अमिता बना रही है हमारे लिए चाय, बढ़िया पतली कड़क वाली। भैया मैं अंदर आ रही हूँ, ये वाली टाइल्स लगाई हैं, तो जी ये देख लो आप, यहाँ से ये टाइल्स लग रही हैं और ये ऊपर से जो कीड़ों ने खाया था इधर टाइल्स लगेंगे। अभी टाइल्स लगेगी, मार्बल लगेगा, मार्बल लगेगा ना। सो ये है जी एंटायर रूम की हालत। बीबी आए तो कर दो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और तैयार हो, तैयार हो, आ जाओ। अभी तुम बोलती क्यों नहीं हो बेबी, कितने लोगों ने कंप्लेंट किया तुम तैयार हो नहीं बोलती हो। और बात ज्यादा लोगों ने नहीं करी है ना, जब ज्यादा करेंगे तब तो बोलूंगी। नहीं तो मैं कर रहा हूँ कंप्लेंट, तुम्हें बोलना चाहिए, मुझे खुद अच्छा लगता है तुम बोलती हो तो। और क्या, और वेलकम बैक टू आवर चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसको अवॉइड करते हुए हम जाएंगे। किसको अवॉइड करते हुए? तुमको। मेरे को ही अवॉइड कर दिया। एडिटिंग बंद, चलो। नहीं बेबी, अरे मुझे ही अवॉइड कर दिया तो मैं क्या करूंगा एडिटिंग करके। नहीं बेबी, ऐसा तो मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ। आज जो इसने किया है ना घर पे, मैं आपको बता दूं, कल ये मुझे रात में सोते हुए काट रही है। और ये पहली बार है कि मैंने सुन लिया, और मैंने रात को इसको एक उंगली से जोर की थप्पड़ मारा, तो कुई कुई भी करी, और मैंने सुबह से इससे बात नहीं करी थी। तो आप देख रहे हो इसका मूड कैसा हुआ है। हाँ, क्यों काटते है? उसको लगता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो मम्मी के पास। रात में पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी सी हो जा रही है। एक तो ना वो रूम चेंज हुआ है ना हमारा। अरे इस रूम में भी काटती थी, बचा रही है उसे बहाने देके लॉयर की तरह। सुना, ऐसे नहीं करते। अपने आप मुवक्किल को बचाने की कोशिश कर रही हो, झूठे सबूत और गवाह देके। आपका मुवक्किल एक नंबर का मुजरिम है, तीन मर्डर कर चुका है अब तक। बेटे काटते नहीं, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो आप, मतलब क्या कल से सुसु पोटी करने लगी मेरे ऊपर। तो फाइनली मेरे को ये कम से कम ये लग रहा है कि ये ऊपर का सही हो जाएगा। कौन सा, ये? देखो कैसा तोड़ा भी तुमने, कैसे है बेबी एकदम से। अरे मैंने अपना सर उखड़वा लिया उसके चक्कर में। एक तो अपनी जान पे खेल के मैंने पीओपी तोड़ा है, और उसके बाद मुझे ये मिल रहा है सिला। तुम डांट रही हो छोटा कुत्ता काट रहा है, यही मिल रहा है मुझे पीओपी तोड़ने का सिला। चलो चाय पिलाओ। चाय आ गई ना, चाय आ गई। चेरू, और चेरी की कहानी बता दूं, चेरी कल नीचे भाग गई और पता नहीं कहां से मुंह काला करा के आई है। दरवाजा खुला, ये नीचे गई, और जब वापस आई तो ये जो था ना यहाँ तक मुंह, वो लिटरली काला था। तो ये मुंह काला करा के आई है कल। और हमने नीचे जाके बिल्डिंग के सीसीटीवी में चेक किया कि ये कहाँ गई थी, तो इसकी कोई फुटेज नहीं मिली, ये सीसीटीवी से छुप के गई है। और इसके मुंह में चने भी थे। चीयर्स। कुत्ते से कटवा के चीयर्स करवा रही हो। इस चीज में ना इसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगा बोलने वाली, मैं इस चीज में इसके साथ। और पता है अर्ली मॉर्निंग काटा तुम्हें, रात भी नहीं थी वो पूरी तरह से, 4:45 ब्रह्म मुहूर्त में काटा इसने। ब्रह्म मुहूर्त में बेटा, खुद आपने, मैं कह रही हूँ कुत्ते को काट लिया। कुत्ते को बोल रही थी ना, तो ऐसे गलती से ऐसे बोल दिया। बेटा ब्रह्म मुहूर्त में आपने काटा है, ये तो अच्छा मुहूर्त होता है। तो इसीलिए काटा ना, काटने का मुहूर्त हो गया था, काटने का सही समय वही था। एक बार और मम्मी ने देख लिया ना, तो मम्मी से फिर बुरा भी कोई नहीं होएगा। और ये मुझे आज तक कभी नहीं करी बेबी। तुम्हें क्यों करेगी बेबी, तुम उसकी पेरेंट हो, मैं गार्जियन हूँ। तुम तो बोल रहे थे कि वो शूटिंग में मैं कुत्तों को अपना कर लूंगा और ये कर दूंगा, हो गया वशीकरण करूंगा कुत्ते का। कर लिया वशीकरण, मुंह पे काटा है कि क्या करा है? अरे एक दिन तो काटा इसने होंठ पे, जिस दिन इसको इंजेक्शन लगे थे, एक दिन पे काट लिया। अब ये इसका टारगेट मेरी आंख है, अब इसका टारगेट मेरी आंख है। आपको हम टॉयज देते हैं ना, मतलब टॉय समझ के काट रही है मुझे। माफी मांगने आई है वो। नहीं, मना मत करो, मना मत करो, जा बेटा, प्यार कर लो, मुझे पता है योर फीलिंग, सॉरी, कर लो बेबी, प्यार कर लो, ऐसे नहीं करते, माफ कर दिया पापा ने, अब नहीं करना है, ठीक है। चलो हो गई मांडवली, हो गई, चलो समझौता हो गया। अरे उतर नहीं रही है, अटक गई है, देखो अटक गई है तुम्हारे यहाँ पे। चलो अब काम करने दो, जाओ मम्मी पास। ये मेरा चेयर तो एकदम डॉल बन के आ गया है, डॉल बन के आ गया, दिखाओ मम्मा को दिखाओ। अरे बाप रे, ये मेरा चेरू का बॉल और ये मेरी चेरू, एक आंख नहीं दिख रही बेबी की, दिखा। अभी 2 मिनट में गटर की बन जाएगी, ये ले, इस समय भागा भागा नहीं करने घर में, ठीक है, एक जगह पे बैठो, काम चल रहा है, वो ना गिरे। हाँ ये पता क्या है, इधर मुझे कुछ सफेद डाल रहे हो ये पता लग रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कुछ भी, अंधेरा है ना यहाँ पे, इतना लाइट नहीं है, लाइट में दिखाओ मेरे को। एक हाफ वाइट है, एक तो इसमें गया है और एक ये अलग है। ये तो प्योर व्हाइट हुआ अभी, और इस पे कितनी कोटिंग होगी? दो कोटिंग सूखने के बाद। हाँ, तो लेकिन एक के बाद ही एक करके बताओ ताकि मेरे को डिफरेंस दिखे। हाँ, इसके नीचे जाओ और उसके नीचे जाओ, ये प्रॉपर व्हाइट है, ये थोड़ा क्रीम है, मतलब इतना सफेद, ऐसा सफेद भी नहीं हो जाना चाहिए। हाँ ये एकदम, और ये थोड़ा मैला हो गया। जब दो कोटिंग करोगे तो पीला नहीं हो जाना चाहिए? पीला नहीं होगा।
भैया ये ज्यादा पीला है, थोड़ा ज्यादा पीला है ना, ये इससे कम होना चाहिए। स्पंज देना भैया, भैया ये रोलर देना। पीला नहीं है लेकिन ये वैसा भी नहीं है। अभी आप ये सोचो इस पे अभी एक और कोट मारोगे, इसी में ना ये जो कलर है ना, ये वाला ये व्हाइट है और ये क्रीम है, लेकिन डार्क क्रीम है। सुनो मेरी बात सुनो, इसको भी मार लो जरा, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। जब इस पे डबल कोट आएगा तो ये पीले में हो जाएगा, हल्का सा पीला पीला रंग हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला कहाँ है? मेरे को तो यार ये वाला ठीक लग रहा है, ये तो मर्ज हो गया बिल्कुल, तो ये अपना जो पुराना है वो तो गंदा हुआ है, तो इसलिए ऐसा है। तो अगर इसमें मर्ज हो रहा है मतलब ये वो है, थोड़ा येलो है, और ये एकदम व्हाइट है मेरे को लग रहा है फिर। हाँ तो एकदम व्हाइट नहीं चाहिए ना, मुझे ऑफ व्हाइट चाहिए। ये ज्यादा पीला है। नहीं नहीं, ये ऑफ व्हाइट होगा ना धीरे धीरे, अपना गंदा भी तो हुआ है। अभी एक एक और कोट मार के इसको सूखने छोड़ो। यार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कलर डिसाइड करना। अभी कलर में भी व्हाइट, ऑफ व्हाइट और कुछ, ये तो ग्रे बन गया, एक तो सिल्वर बन गया ये वाला कलर, ये तो एकदम बकवास लग रहा है। मेरे को चाहिए जो कलर एक्चुअली था वही रहना है। ये मेरा कुत्ता देख रहे हो, ठीक है? अब ये है, नहाती है ना तो ये हो जाती है सफेद, ठीक है? थोड़ी ही देर में इधर वाला जो कलर आता है ना इसका, थोड़ा क्रीम वो चाहिए। ये नीचे आके पीला हो गया, तो तीन शेड मिले हुए हैं। आपको इसी कुत्ते में शेड ढूंढना है। oh, hell no. इसी कुत्ते से मिलता जुलता मुझे कलर चाहिए, ऐसी सफेद जो सफेद भी ना हो इसको। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब सफेद ही मारता है सफेद लगती है। थोड़ी देर में कुत्ता हो गया पीला, वैसा हाँ वैसा ना हो जाए। नीला बीटू, मेरे चेरी का इस्तेमाल किया पेंट में हमने, है ना? चेरी चेरी जैसा पेंट होना चाहिए, थोड़ा सा पीला थोड़ा सा सफेद। टाइल्स लग गई क्या? हाँ हो गया सर। ये भी चेंज कर रहे हो ना, ये लकड़ी का जो जिसपे कब्जे लगे हुए? मतलब नहीं, आपको पूरा ये जाएगा, ये आपका नीचे पूरा टाइल्स लगाया हूँ। और टाइल्स लगाने के बाद अपना ये भी कर दिया, ये अपना व्हाइट सीमेंट भी डाल दिया पूरा। नहीं लेकिन ये जिस लकड़ी पे लगा हुआ है ये, हाँ इस लकड़ी में भी तो दीमक लगेगी ना, तो कब्जे ढीले हो जाएंगे फिर। वो कारपेंटर का काम है सर, मेरा टाइल्स का काम था। टाइल्स जो हो सकता है ना, जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ पेस्ट कंट्रोल का ही हो सकता है। उन्हीं को बुला के वो ड्रिल करके जो करते हैं ना, वही कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी में ड्रिल थोड़ी होगा, उस पर तो स्प्रे ही होगा बस। उन्होंने मेरे को बोला था कि ये जो है ना ये आपका, ये छूट जाएंगे धीरे धीरे दीमक की वजह से। अभी कितना छूटेंगे? कितना लग रहा है? एक साल चलेगा आपका, ये पूरा फाइनल हो गया है। ये बच्चा आपका, ये पूरा ये लगाया हूँ, जब ये पेंटिंग हो जाएगा तो आपका ये पूरा क्लीन करके दे दूंगा। चलेगा, मैं जरा जाती हूँ, थोड़ा सामान लेके आना है घर का, ठीक है? मैं लेके आ रही हूँ। तो क्या असला बारूद खरीदने जा रही हो? कितना धीरे बोल रही हो। नहीं नहीं, घर में काम भी चल रहा है, फिर तुम अकेले हो गए इसलिए बोल रही हूँ। अकेले होऊंगा मतलब? अकेले पड़ जाता है ना इंसान, तो वो मुझे मारने वाले क्या? नहीं नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो जाए, कुछ हो या उनको पड़ जाए, तो किसी को पता नहीं हो कि मैं गई हूँ। अरे तुम दोनों गए थे क्या? हाँ सामान लेने गई थी ना। नहीं मेरे को पता नहीं, अमिता भी गई है। हाँ फिर लेते लेते सामान ज्यादा हो गया, फिर अब छोड़ा है। हाँ फिर वो लेके आ रहे हैं। अच्छा मतलब ला रहे हैं ना, मेरे को लगा सामान ही छोड़ दिया ज्यादा हो गया। नहीं नहीं छोड़, मतलब छोड़ थोड़ी दूंगी, बिल लेके आई हूँ, लेके आएंगे। अच्छा मुझे बताओ सीलिंग व्हाइट करने क्या पूछ रहे हैं? हाँ सीलिंग तो व्हाइट ही होगी ना, इसीलिए तुमको फोन करा था, लगी नहीं रहा। कहाँ है बताओ? वही ना, इस घर में मेरे बिना तो काम कोई चलता ही नहीं है ना। मेरे बिना इस घर में काम हो जाए तो फिर मतलब ही क्या है। आओ फिर तुम भी आओ, आओ आओ देखो सीलिंग, सीलिंग का है। सीलिंग तो ऊपर होती है ना, नीचे का ढूंढ रहे सीलिंग। सीलिंग का मतलब पता है? आओ आगे पूछ लो ना इसे। इधर भैया जी, घर का सामान मैं ले आया हूँ, ये मेरे को टूथब्रश भी ले आया हूँ, ये ना बाथरूम में रख देना, मतलब ये भी बाथरूम में एक निकाल लेना तू अपने लिए, और ये भी बाथरूम में रख देना, खोल के रखना। चाय भी रख दे अमिता। अभी चेरी को घुमाने वाले आ गए हैं यहाँ पे, और विकास जाने पे देखना जरा कर क्या रही है कि मैं चलूँ नीचे। हाँ क्या हुआ है? जाओ जाओ नीचे, वो देखो आया हुआ है। नहीं निकले, क्या हुआ है? जी जा जा अमिता, जाओ जाओ चलो। काश के साथ नहीं जाएगी, क्या हुआ है? इतना रोना, बहुत मारा ना विकास ने, बहुत मारा आपको, है ना? जा विकास चल, चल जाओ जाओ, चलो चल क्या होगा? चलो चेरी, तुम नाटक देख रहे हो इसके? अरे पूरा रोना ही मचा दिया इसने तो। चल क्या हुआ? और तू जा जा चल चल आज। नहीं नहीं गंदा रोना होना कुछ नहीं, मैं नहीं आ सकता। चल चलो आ जाओ, देखो को चल रहा है। चल जाओ जाओ चल विकास, आज विकास ये तो मानेंगे नहीं। अरे बाप रे, चल 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 चलो रोना नहीं है, रोना नहीं है, चलो चलो चल, रोना नहीं है, रोना नहीं है, चलो आओ आओ। देख रहे हो उसको, इसकी हरकतें देख रहे हो, जिद पर ना देख रहे हो, लेके जाओ इसको। अच्छा मैं बाद में लेके जाऊंगी, मैं बाद में लेके जाऊंगी। देखा ये होता है, जा ही नहीं रही थी, अभी भी रो रही है बाहर। लेकिन रात को लेके जाऊंगी अब इसको।
मैं सो गया था, अभी भी उठा हूँ, कॉफ़ी पी है मैंने, और संभावना अंदर चेक करने गई है कि उन्होंने कितना काम हो गया और कितना रह गया। तो हम लोग सोच रहे थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए जाएं, सुबह से घर में है। तो जैसे ही वो अंदर गई है, ये देखो यहाँ से उसको आवाज़ दे रही है कि तू कब आएगी बाहर। अरे वो 4-5 बार आवाज लगा चुकी है। आवाज वहाँ से जवाब दे तो रही हूँ मैं, क्या आ रही हूँ, काम तो करूंगी ना, थोड़ा देख रही हूँ ना बेटा। उसने लिटरली मम्मी, हाँ मम्मी, पता है आवाजें आ रही थी अंदर, ऐसे बोला है। काम नहीं करूँ, 15 मिनट का काम रह गया बेटा, वो काम खत्म करेंगे और वो जाएंगे, तो ये 15 मिनट दे सकती हो आप? अरे बाप रे, ठीक हो जाओ। तो ले जाओ ना इसको अंदर। का पेंट के बीच में मैं चेक कर रही हूँ, वो देख रही हूँ सब, उसके बीच में आवाजें देती जा रही है, बदतमीज ना हो तो। तुमने लाइटें ऑर्डर कर दी यहाँ की? हाँ कर दी। आराम से यहाँ पे बैठो, मैं आ रही हूँ, ठीक है यहाँ पे बैठो। अभी अगर ये मेरे को आवाज देगी ना तो दो झापड़ मार देना। बैठे बैठे ना अम्मा की तरह आवाजें देती रहती। तो फाइनली अब जाके वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो गए हैं, और हम लोग अब जा रहे हैं वॉक के लिए। कि सुबह से घर में बैठे 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 ना ऐसा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तब जाएंगे, थोड़ा सा पसीने निकलेंगे, थोड़े टॉक्सिन्स निकलेंगे, फिर वॉक करके 20 मिनट में हम लोग वापस आ जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए वॉक करके, आके हमने खाना खाया, उसका देखा है कैंडी का अलग ही मूड बना हुआ है खेलने का, तो इसको खिलाता हूँ मैं। गंदा सा टॉय लेके अपना आ गई यहाँ पे। कैंडू देखो, तो जी हम चले अब सोने, 11 बज रहे हैं, और एक चीज हमारे कंबल के अंदर है, और वो क्या है वो देख लो जरा, ये क्या हलचल मचा रही है तू, क्या करके रही है, हैं क्या कर रही है तू, देख लो अभी रात को भी इसका यही चालू है। छोटा रूम है तो जल्दी कूलिंग हो जा रही है शायद, इसलिए इसको ठंड लग रही हो। आ जाओ मैं मामा के पास, आ जाओ मामा, छोई छोई कर लाएगी। तो जी हम चले छोई छोई करने कैंडी की, शायद आप भी छोई छोई कर लो, आपको मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना स्टूडियो एंटरटेनमेंट। कुछ तो अलग कह रही है, पता है मुझे लग रहा है। क्या कह रहे हैं मामा, ऐसे कभी बिहेव नहीं करती। क्या कह रहे हैं बाबू, क्या हो गया, कुछ खाने को तो नहीं चाहिए, भूखी लगी है क्या, भूखी लगी है, हड्डी खाएगा है, हड्डी खाएगा नहीं, 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 कुछ और है।